दोस्तों, आनंद लेखनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को हमारे क्षेत्र में पार्षद श्री राम कुमार वर्मा जी के भ्रमण के दौरान एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोगों ने, सभी मोहल्ले के लोगों ने अपनी अपनी सहभागिता सुनिश्चित की और अपनी अपनी समस्याओं के निदान के लिए उनको अपने प्रस्ताव दिए और उन्होंने उनको पूर्ण रूप से करने के लिए वचनबद्धता व्यक्त की और आश्वासन दिया कि हम इन कार्यों को सब परिपूर्ण करेंगे और अपने सुझावों से हमें अवगत कराया, और जो कि बहुत अच्छा लगा। ख़ासतौर से इस समय, वर्तमान समय में हमारे मोहल्ले में पानी, बिजली और स्वच्छता का कार्य बहुत अच्छी प्रकार चल रहा है, जो कि बहुत प्रसन्नता का विषय है। समय समय पर उनका आगमन मोहल्ले में आने से हम लोगों का मनोबल बढ़ता है और हम अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए उत्सुक रहते हैं और हमारी समस्याओं का निदान भी होता है। और दोस्तों, तो हमारी मीटिंग का जो प्रारूप है, जिसमें जैसे जैसे डिस्कशन हुआ, वह इस प्रकार से है। छोटा सजेशन है लेकिन गंभीर हो सकता है। क्या? मैंने मेरे मन में कई बार कौधता है कि गवर्नमेंट की नीति ये लाइट के बजाय, जैसे अभी आजकल लाइट समस्याएं हो रही हैं, तो लाइट कम हो जाती है एसी कूलर से, तो रोड लाइटें जो जल रही हैं, अगर ऐसे टाइम में उसको कम कर दिया जाए या बंद कर दिया जाए तो हजारों वाट बिजली उसमें खींची जा सकती है। अच्छा नहीं, एक मेरी और समस्या सुन लीजिए। और जैसे रोड लाइट मैं देखता हूँ अक्सर करके, जो गवर्नमेंट या नगर निगम जो मोनोग्राम बनाया है लाइट की लगाने की दूरी पर, लाइट दूरी सजेस्ट करिएगा गवर्नमेंट को, लाइट की दूरी जो लगाई गई है पोलों की, अगर दो पोलों की जगह, तीन पोलों की जगह पर दो पोल लगाए जाएँ तो भी लाइट उतनी ही रहेगी और उतनी लाइट बनी रहे। तो आप सोचिए, शहर है, माने इंदिरा नगर या पूरे लखनऊ शहर की बात कर लीजिए, तो लाखों वाट बिजली बचाए जा सकती है और लाखों पोल बचाए जा सकते हैं, उसको कहीं और एडजस्ट किए जा सकते हैं। नहीं नहीं वो तो मेजरमेंट के अनुसार है उनका गवर्नमेंट। अगर एक हटा दिया जाए एक एक के बीच में तो आधी हो जाएंगी। मानक है ना उसका मेजरमेंट होता है। मानक कह तो रहा हूँ, आप लाइट बीच देख लीजिए, बीच में वायर है ना भैया, दो दो पोलों के बीच में मानक होता है। एक उनको पूछिए, सुनिए उनसे। पहले करीब करीब जो है 1.25 लाख सोडियम लगेगा। सोडियम जो है 100 वाट का था। हाँ तो समझ गए, नहीं 100 का ज्यादा रहा, हाँ ज्यादा रहा। आज आपके दरवाजे पर लाइट लगा मालूम कितने का? 70 वाट। यस, काफी कम हो गया। कितने बचत हो गया? नहीं कम हो गया, मतलब ये आप मान के चलो कि 10वें हिस्से पे आ गए, आ गया जो है 10 को, इससे बच गए। आप पहले क्या था, स्टार्टर आपके दरवाजे लगाओ। तो भाई देखिए, बचना है देश की इकोनॉमी या पैसा, गवर्नमेंट कहती है तो नहीं। तो अभी तो लाइट के लिए ये भी आ रहा है, सोलर वाला भी तो आ रहा है, सोलर सिस्टम भी आ रहा है। स्टार्टर होता है जैसे हम सवेरे 5 बजे उठ गए तो हमने 5 बजे बंद कर दिया, 7 बजे उठे हमने 7 बजे बंद किया, हम 8 बजे उठे हमने 8 बजे बंद किया, या अगर हम कहीं बाहर चले गए तो जलती रही। अब वर्तमान में क्या है, सनसेट और सनराइज के साथ जलती बनती है। अच्छा, अपने आप जल जाता है, अपने आप जलता और अपने आप। बहुत बढ़िया समस्या है। नहीं, मैं खुद ही देखा, मैंने कई बार लोगों से कहा भी, बल्कि जो बुझाते जलाते हैं, मैं कई बार टहलते मिला हूँ, मैं उनसे कहता हूँ, अरे यार कभी कभी तो देखो 7 बज रहा है, 8 बज रहा है, दिन दिन भर जल रहा है, अब उसको टाइम से जला दिया, अब नहीं जलती है वो, अब नहीं जलती। सुनिए, सरकार ने और काम किया, जैसे पहले कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनता था फिजूल खर्ची तमाम सारी रोगी, अब आप ऐसा कुछ नहीं कि आप 15 बजे बनवा लो, पेमेंट चीज़ें बदल गई, अब तो वो ऑटोमेटिक हो गया ना। नहीं, वो तो ऑटोमेटिक हो गया। खैर, जो आप बता रहे हैं ये ऑटोमेटिक हो गया। हम सेक्टर 11 में है, चाय पी रहे हैं। नहीं, मैंने पानी पी लिया। सेक्टर 11 है भैया, चलेंगे यार। अब तो ये सोलर वाला भी आ रहा है ना, जो लगा रहे हैं उसमें एक मुश्त जो है 5 लाख 4 लाख लग रहा है,
उससे भी आप बिजली बचा सकते हैं पूरा। और नेक्स्ट स्टेप यही है सरकार का, आधा वैसा करेंगे आधा सोलर लगा लेंगे तो अपना चलता रहेगा कार्यक्रम। सोलर वाला जो आ रहा है अब है क्या, जैसे आपको एलपीजी महंगा पड़ा तो मैं छोटी सी बात बताऊँ आपको, पूरे इंद्रनगर में एलपीजी कनेक्शन हो गया, आने वाले दिनों में आपका किचन खर्चा 350 रुपये निपट जाएगा। अभी आप लोगों क्या कनेक्शन हो गया कि नहीं, ऐसा हुआ हमारे वहाँ क्या हुआ, ये से लाइन गई यहाँ पर लास्ट में छोड़ दिया, लास्ट मकान और यहाँ छोड़ दिया, इधर बीच में नहीं लगी, यहाँ पाइप खुदाई नहीं। मोहल्ले में विक्रम सिंह क्या चल रहा है, सभी चल रहा है, इनके वहाँ चल रहा है, श्रीवास्तव जी के वहाँ चल रहा है, समझिए बात को, इनके वहाँ भी तो चल रहा है, आपके वहाँ भी चल रहा है ना, ग्रीन गैस चल रही है ना आपके वहाँ, इनके वहाँ चल रही है ग्रीन गैस, इनके वहाँ चल रही है। सरकार अब आपको ऑक्सीजन उपलब्ध करा रही है, ये है कि हमारे वहाँ खुदाई नहीं हुई, किसने कनेक्शन नहीं लिया, मैंने लिया और कुछ ने नहीं लिया तो उन्होंने खुदाई नहीं करी। कितना दिन से आ रहा है, लिया था उसने, लिया है छोटो, चलिए फोटो मैंने ले ली है, सब वीडियो बना दिया, कितना डिफरेंस आया मैं बता रहा हूँ, 650 रुपये का आधा खर्चा हो गया इनका, देखो मैं कह तो रहा हूँ सरकार, इनकी वीडियो बनाइए उसको, क्या जीजीएल पे क्या है आपका, सीजीएल जो ग्रीन गैस है, ग्रीन गैस जीजीएल आपका क्या है, क्या कह रहे हैं, कितना आता है आपका बिल, कितना आता है? अरे हमारा देखिए 14 यूनिट उठा था, अभी कितना सिलेंडर यूज करते थे पहले? पहले एक सिलेंडर रखा, और अब तो मीटर के हिसाब कितना नहीं, कितना आ रहा है, मैं बिल आया था मेरा 550 550 रुपया, देखिए आधा हो गया एक महीने का, जस्ट 55 दिन का, 2 महीने तो सही है, 2 महीने का बताइए। अरे मैं कह रहा हूँ 350 रुपये महीना आएगा, एक हमारे मित्र प्रवेश तेल वो खाते हैं, वो तो अलग से इंस्टॉलमेंट आएगी, हाँ तो वो 550-600 रुपये अच्छा एक चीज बताइए, जैसे ये सभासद जी एक चीज बताइए, जैसे ये रूट रह गई है तो इसके लिए क्या करें, हमको वहाँ जाना पड़ेगा, सारे घर कनेक्ट होंगे और सबके कनेक्शन मिलेगा। अच्छा मोदी जी की योजना है हर घर को पानी और हर घर तक, नहीं जैसे मैंने 2020 में कनेक्शन लगा दिया दिसंबर में, अभी तक नहीं आया, अभी आएंगे वो खुदाई करने नहीं आए, आएंगे तो इसके बारे में या ऑफिस जाएं या वैसे ही आएंगे, कहीं मत जाएंगे। अच्छा व्यवस्था सर आगे आपके दरवाजे चल के आ रही है, अब कूड़ा कलेक्शन आपके दरवाजे से हो रहा है, सफाई कर्मी आपके दरवाजे आ रहे हैं, पानी साफ आपके घर पे आ रहा है, सड़क आपकी परफेक्ट बन गई, नगर निगम से रिलेटेड सारे काम हो रहे हैं, आगे भी अनवरत ये काम चलते रहें, यही हमको चाहिए, बीच में ब्रेक ना हो, बात बरसात पहले हो जाएगा, क्रॉसिंग आपकी बरसात से पहले हो जाएगा, बरसात पहले करा रहे हैं, क्रॉसिंग आपकी बननी पीछे गली की नाली नहीं ठीक है, नाली बननी है, और ये पार्क की रिपेयरिंग, पार्क तो आपको सारे रंगे चुने मार्ट में, अच्छा, और ये जो इन्होंने बोला था वो टैंकी वाला जो है वो मैंने कहे तो नहीं हो रहा, कोई भी कार्यक्रम होता है ठीक बोल रहे हैं, वो अच्छा ही हुआ सबके लिए फायदेमंद, तो इतनी समस्या थी सब लगभग तो हम आपको बात बताएंगे समय समय पर बताते रहेंगे, ऐसा थोड़ी है कि मतलब यही हो गया, ये फर्स्ट इधर का जो नाली है वो बोल दिया है, वैसे क्या इधर जो पानी आता क्या उधर नहीं जा सकता, ये तो समस्या है, इधर डाल होगा पानी तो उधर ही जाए, तो हम इधर नगर नहीं, अगर नाली बन जाए तो नहीं आएगा, नाली निकल जाएगा, तो यहाँ से नाली अगर डालेंगे तो आप नाली में भी तो ऑब्जेक्शन है, उसमें कहाँ डाल, नाली कैसे बनेगी,
इधर आता है, अगर नाली बन जाए। देखिए इसमें एक बार क्या हुआ, नाली बनाने लग गए थे, लेकिन हम लोगों को ऑब्जेक्शन है नाली बनाने में, इसलिए है कि यहाँ पर नाली बना देंगे तो पूरी नाली बन जाएगी, जगह नहीं, ये नाली नहीं है, सीधे जाने वाली नाली, सीधे वाली तो बनी कहाँ है, वो बनी नहीं रही है, आधी बनी है, उसी की बात कर रहा हूं, यहां की बात नहीं कर रहा हूं। एक बार नाली यहाँ नहीं बनाने लगे थे, एक बार यहाँ बना रहे थे नाली, ऑब्जेक्शन किया हमने। नाली के लिए बात करेंगे, टिपिकल है, एक बार बात करेंगे। हाँ, लेकिन नक्शे में जैसे भी होगा, या सड़क जब ऐसे सीधे जा रहा है तो अथराइज्ड होगा, वैसे वहाँ की नाली तो वहीं जाने जाए, अंडरग्राउंड अगर चले जाए तो बढ़िया है, समस्या तो सॉल्व हो जाएगी। किसी ने रोक लगा दिया हो इसलिए न बना हो, यही है, जान लीजिए। नहीं, अगर नाली कॉन्सेप्ट दूसरा ये है कि अगर इंटरसेक्ट हो रही है, जगह मिल रही है, तो मोड़ना पड़ता है। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं, ऐसा नहीं, वो पानी उधर का इधर नहीं आ सकता, नहीं वहाँ का नहीं आना चाहिए ना, वहाँ का वहीं आना चाहिए, उधर का पानी इधर नहीं आना चाहिए। अब यह है कि भैया यहाँ कम लोग हैं, हम लोगों की मेजोरिटी कम है, इसलिए हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, हम लोगों के लिए हम क्या करें, मेजोरिटी तो हमारी कम है ना भाई। तो चाहे जहाँ मिल गया हो उसका रूट अलग है, इधर का रूट अलग है, रोक लगना चाहिए, रोक तो लगना नहीं, एप्लीकेशन उसके लिए तो लिखना है, क्या कौन कौन सी समस्या थी, वो छोटे वो कौन सी समस्या थी जिसके लिए उन्होंने, अच्छा वो ये वाली ना, ये हॉर्न के लिए, हॉर्न और बड़ी गाड़ियों कॉमर्शियल गाड़ियों उसके लिए देंगे एप्लीकेशन। एक बार प्राची सिंह से मिल लीजिए। हाँ हाँ, मिलेंगे क्या उनसे एप्लीकेशन, क्या मैं एक आध बार गया हूँ वहाँ शादी के टाइम पर, मुझे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनाना था। हाँ हाँ, एप्लीकेशन दे के आएंगे, उनसे मिल भी लेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अनलेखनी ब्लॉग में जो मैंने वीडियो बनाया था आज की मीटिंग के बारे में, तो अधिक से अधिक लोग इसको सब्सक्राइब किए, शेयर किए, लाइक कीजिए, और भविष्य में भी मुझे आशा है कि हमारे पार्षद जी का को मतलब हम अधिक से अधिक उनका मनोबल बढ़ाएं, और क्षेत्र की हमारी समस्याएं का समस्याओं का समाधान हो, और वे हमेशा इस कार्य के लिए प्रयासरत रहते हैं, जिसके लिए हम उनको सब लोग मिल करके बधाई के पात्र हैं, और उनको धन्यवाद देते हैं, और आशा करते हैं कि सब लोगों को आज की बैठक में जो भी वार्ता चर्चा हुई वो अच्छी लगी होगी। सबका धन्यवाद, और सबको धन्यवाद, खासतौर से पार्षद जी का आना हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है, ये अच्छी बात है कि मतलब एक युवा कर्मठ पार्षद हैं, वो अपने कार्यों को अच्छी प्रकार करते हैं, जिसके लिए हम लोगों को बहुत और खुशी है, धन्यवाद सबका, उनके बाद।